आज इंडिया आज तक आया है आम आदमी पार्टी के मुंबई कार्यालय में। आम आदमी पार्टी जिसने कल दिल्ली के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में धमाकेदार जीत हासिल की है, इसी सिलसिले में हम लोग इनकी बम्बई ऑफिस में आए हैं और यहाँ हमारी मुलाकात हुई है अंजलि दमानिया जी, जो यहाँ की महाराष्ट्र की कन्वेनर हैं आम आदमी पार्टी की। अंजलि जी, स्वागत है इंडिया आज तक पर। आपने बड़े बड़ों की पोल खोली है और मैं देख रहा हूँ आपके ऑफिस में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आ रहा है जा रहा है, तो कुछ डर नहीं लगता आपको? नहीं जी नहीं, हमें तो बिल्कुल किसी बात का डर नहीं लगता। ना पहले जब उनके जैसे सिंचाई घोटाला हमने एक्सपोज किया, वो तो महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM अजीत पवार, जो नामी आपको तो पता है किस प्रकार के नेता है वो, तो उनको एक्सपोज किया तब डर नहीं लगा, तो अब किस बात का डर लगना। उसके बाद नितिन गडकरी जी है, छगन भुजबल है, शरद पवार है, सबके एक एक जो कांड थे सारे के सारे हमने एक्सपोज किए थे। बट हमें पुलिस की तरफ से फोन्स भी बहुत आए थे कि आप सिक्योरिटी ले, उन्होंने इतने हद तक कि हमें लिख के दिया कि आपको सिक्योरिटी लेनी चाहिए, वो फ्री में प्रोवाइड करने के लिए तैयार होते हैं थे, पर फिर भी हमने उन्हें लिखकर जवाब दे दिया कि हमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, हमारी सिक्योरिटी सिर्फ ऊपर है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, कल आपकी पार्टी ने धमाकेदार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है दिल्ली में, कैसा महसूस कर रही हैं आप? नहीं, हमें तो बहुत खुशी हुई, कल तो सारे वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा खुश थे। और अब पता नहीं थोड़ी सी उन्होंने बीजेपी ने गंदी राजनीति शुरू कर दी, कल शाम को नितिन गडकरी जी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, अब वो कहते हैं कि वो ये नहीं फॉर्म पार्टी, ये गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करेंगे, अब वो ओनस हमारे पे डाल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आकर ये पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर दे, तो थोड़ी सी गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम क्लियर है, हमारी थिंकिंग क्लियर है कि हम इसमें नहीं पड़ेंगे, हम ना किसी से अलायंस करेंगे, ना किसी से आप सपोर्ट लेंगे, ना किसी को देंगे, हमें क्लियर मैंडेट होगा तभी हम गवर्न करेंगे। लेकिन नितिन गडकरी के खिलाफ आपने खुद इतना बड़ा पुलिंदा खोला था कि बेचारे की गद्दी चली गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो उतार दिए आपने जी। तो कैसे वो हिम्मत करेंगे, आप विपक्षी हो और वो पक्ष में रहे, तो आप उनको चैन से बैठने देंगे क्या? ख्याल से इसीलिए वो शायद थोड़े से डर गए हैं कि अगर दिल्ली में पैसे खाने नहीं मिले तो ये ऐसी सत्ता का क्या काम, ये शायद सोच में वो पड़ गए हों। और अगर आम आदमी पार्टी जैसे विपक्ष में आ जाते हैं तो उनकी रोज की लड़ाई होगी हमारे साथ, वो शायद इसी डर से उन्होंने हमें ये नहीं किया हो। तो हम तो कहते हैं कि हम विपक्ष में ही बैठेंगे चाहे जो हो जाए, या तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनिंग है, जो री इलेक्शन करना पड़ेगा तो री इलेक्शन हो जाए, जिस दिन हमें क्लियर मैंडेट मिलेगा तभी हम राजनीति करेंगे। लेकिन अंजलि जी, आपको पता है इलेक्शन दोबारा होना कितना खर्चा होता है, सब पार्टियाँ भी तैयार होनी चाहिए, और जब आप सत्ता में आ गए हैं, अभी आपको 28 आपके पास में है, ऐसा कि जब अगर आप बोल रहे हैं दोबारा इलेक्शन हो जाए हमें कोई परवाह नहीं, आपने कुछ इंटरनल असेसमेंट किया है कि दोबारा इलेक्शन हो जाएगा तो आप 28 से 38 पर पहुंच जाएंगे? बात ऐसी है, ऐसा तो नहीं 28 से 18 पर आ जाए? नहीं, बात ऐसी है कि हमने जो पोस्ट पोल सर्वे किया था, वो पोस्ट पोल सर्वे में जब लोगों से बात हुई तो लोगों ने कहा कि देखिए हम तो आम आदमी पार्टी को ही वोट देना चाहते थे, पर जब हम उस पोस्टल बैलेट के पास जाते हैं तो एक मिनट के लिए लगता है कि हम वोट तो दे दें आम आदमी पार्टी को, पर अगर ये सरकार नहीं बना सकी तो क्या होगा, तो इस डर से उन्होंने वो वोट बीजेपी को दे दिया। अब जब उन्हें पता चलेगा कि नहीं इनको 28 सीट तो हमारे सपोर्ट के बिना मिली है, तो शायद वो इस प्रकार का की हिम्मत करेंगे और हमें वोट दे देंगे, और कुछ और कई ज्यादा सीट हमें मिलने की संभावना। आपके काफी प्रत्याशी बहुत कम मार्जिन से, जैसे साजिया इल्मी से 300 कुछ, 350 वोट से हार, तो ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो काफी कम मार्जिन से हारे हैं? कुछ 5 कैंडिडेट्स बहुत ही छोटी मार्जिन से हार गए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये इलेक्शन होता है तो ये क्लियर कट विन उनको मिल जाएगा आपको। चलिए, तो अब तो कांग्रेस पार्टी जैसी दिग्गज पार्टी जिसके खिलाफ आपका आंदोलन रहा इंडिया में करप्शन से लेकर आज तक जी, वो भी आपसे सीखने की बात कर रहे हैं जब इलेक्शन रिजल्ट आया है तब। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि ये लोग हमसे सीखे कि राजनीति नहीं, कूटनीति नहीं करनी है, राजनीति करनी है, और वो भी बड़ी साफ सुथरी राजनीति करनी है, जैसी लाल बहादुर शास्त्री करते थे वैसी राजनीति करनी है। और हम तो यही चाहते हैं कि हम तो बार बार कहते हैं कि हम
ये राजकारण करने नहीं, उनको सिखाने आए हैं कि किस तरह से होना चाहिए, तो हम ये बदलाव लाने के लिए आए हैं, ना खुद राजनीति। लेकिन सोनिया जी ने कल स्टेटमेंट दिया, उसको राहुल गांधी ने दिया, और राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से आपको रिकॉग्नाइज किया, आपकी पार्टी और आपके अरविंद केजरीवाल बोले हमें उनसे सीखना चाहिए, इसमें कितना दम, हाउ मच ऑनेस्ट। हमें किसी राहुल गांधी या किसी सोनिया गांधी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम जो करना चाहते हैं वो हम करके रहेंगे। और ये एक तो भारत ये किसी ये गांधी फैमिली का ठेका नहीं है, किसी की जागीर नहीं है कि वही फैमिली बार बार इस देश को चलाएगी। इस देश में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, जो आप साफ सुथरे लोग आकर राजनीति करेंगे, लोगों के प्रतिनिधि आकर राजनीति करेंगे, और ये ना लोगों के प्रतिनिधि थे ना है, और ये यहाँ का सरकार अब नहीं चलाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से बड़ी संजीदगी से वो स्टेटमेंट दिया है, मुझे मालूम नहीं आपने देखा कि नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट कितना ऑनेस्ट था, क्या वाकई अब उनको याद आ रही है कि अब सीखेंगे? वो चाहे जो सोचते हैं जो बोलते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं इनके लिए मुझे कोई मेडल देने की ये नहीं लगती है कि इन्हें हमें कोई मेडल देना चाहिए। है कौन ये राहुल गांधी? क्या मैंने हमारे जो और लोग हैं यहाँ के जितने बुद्धिमान लोग हैं उसके कंपैरिजन में राहुल गांधी चीज क्या है, और क्यों इसे इतना भाव देना चाहिए? जस्ट बिकॉज वो राजीव गांधी के पुत्र है इसलिए? मुझे नहीं लगता इसे कुछ होना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।